अगर हमारी जिंदगी में खेल कूद नहीं होता तो हम कितने बोर हो जाते। आजकल देखो आप बच्चे जो है घरों के अंदर ज्यादा गेम्स खेलते, बाहर जाते नहीं, इसलिए गंदे होते नहीं। हमारा तो ये हाल था, धूप में खेल खेल के गमोरियां हो जाते थे हमारे और माँ भी खींच के लेके आती थी और थप्पड़ ऐसी जगह मारती थी जहाँ गमोरिया हुआ होता था, ठप करके आई मम्मी। क्योंकि माँ भी क्या करे, माँ अपनी जगह सही, क्योंकि माँ सुबह नहला धुला के ऐसा दूध जैसा बच्चा भेजती थी, शाम को धूल में खेल खेल के कॉफी जैसे होके वापिस आते थे हम लोग। और माओं को चार पांच बच्चे एक्स्ट्रा नहलाने पड़ते थे मोहल्ले के बीच में से अपना वाला पहचानने के लिए कि मेरे वाला कौन सा है। बच्चे भी आपको पता अजीब अजीब से खेल खेलते हैं, खास तौर पे हमारे जैसे गांव और मोहल्ले वाले बच्चे। चल देखते हैं सबसे ज्यादा दूर थूक किसका जाता है। ओके ये लो देखते हैं सबसे ज्यादा दीवार गीली कौन करता है। और कई अपना खुद तो करते करते दूसरे बच्चे का भी खेल खराब कर देते थे। गुड्डू तेरी जीभ नाक से लग सकती है। सारा दिन गुड्डू जी भी नाक में लगाता घूमता रहता था। अजीब अजीब खेल आजकल तो खैर इंपोर्टेड गेम्स आ गई हैं। अच्छा कुछ लोग गलत जगह पे गलत गेम खेलना शुरू कर देते हैं। किसी की शादी में जाते हैं वहां पे शर्त लगा लेते हैं, आज देखते हैं 30 रसगुल्ले कौन खाएगा, आज देखते हैं ज्यादा से ज्यादा गुलाब जामुन कौन खाएगा। उस चक्कर में धड़ाधड़ गुलाब जामुन अंदर डाल रहे हैं। ऐसे लोग बेटी के बाप की बद्दुआ लेके जाते हैं, उसने खर्चा किया है। सच्ची में बद्दुआएं निकलती उससे, अगले दिन सारे गुलाब जामुन बन के बाहर निकलते हैं। अच्छा कुछ लोग खाने पीने का बड़ा तगड़ा कंपटीशन कर लेते हैं। आजकल तो कम हो गया लेकिन पहले बहुत होता था ये। 1 किलो देसी घी एकदम से कौन पी लेता है, और फिर 1 लीटर देसी घी पी के धूप में आप खड़े नहीं रह सकते क्योंकि पसीने की जगह घी टपकता है। ये सब चीजें इंडिया में पॉसिबल है, आप घी पी लेते हो ठीक है सारा नॉर्मल भी रहता है। अगर आप दुबई जैसे गर्म देश में आप 1 लीटर घी पी के बाहर खड़े हो जाओ आपको तो खड़े खड़े पकौड़ा निकल जाए वहां पे, इतनी धूप होती है वहां पे। अच्छा कुछ लोग खतरनाक चीजों से खेलते हैं, जैसे दिवाली पे ना शर्त लगा लेते हैं दूसरा, हाथ में पकड़ के बम कौन चलाएगा, हाथ में सुतली बम कौन चलाएगा, फिर चला भी देते हैं। एक बार तो चला लिया अगली दिवाली पे फिर यूं मिलते हैं, बीच वाली 2 उंगलियां उड़ी होती है। फिर यो हनी सिंह बन के घूमते हैं। अच्छा हर खेल की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। आपने कभी ये जो सड़क किनारे जो जुआ खेलते हैं उनको देखा कभी? वो हमेशा एथलीट की तरह स्टांस लेके बैठते हैं ऐसे करके पूरा। पीटी उषा भी ऐसे नहीं बैठते, वो ऐसे बैठते हैं पूरा। उनको पता पुलिस किसी टाइम पे आ सकती है तो फिर पुलिस के बिल्कुल कट टू कट निकलते हैं। पुलिस ऐसे पकड़नी तो यूं से निकलते हैं। कई बार मामला बड़ा कट टू कट होता है, पुलिस ने पकड़ा यहाँ से छुड़ा के भागे, कई बार पुलिस का हाथ यहाँ पे पड़ता तो एक मुट्ठी बाल दे के जाते पुलिस वाले को। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी माओ ने मन्नतें मांगी होती है कि हमारे बेटा होगा तो बाल चढ़ाएंगी, वो भूल जाती हैं। बच्चे फिर पूरी उम्र थोड़े थोड़े बाल करके देते रहते पुलिस को। शतरंज का खेल मुझे ऐसा लगता है ये किसी आलसी आदमी की इन्वेंशन है। आप देखो दो आदमी बैठे खेल रहे हैं, एक एक चाल को चलने में घंटों लग जाते हैं। एक आदमी ने चाल चली दूसरा अरे सामने वाले को लगता है बड़ी गहरी चाल चल रहा है, उसकी ठुड्डी उठा के देखो सो रहा होता वो। अपनी 2-3 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं बीच में। 2-3 घंटे सो लेते हैं फिर नीचे नीचे आंखें खोल के अंदर ही अंदर मल के देते हैं, मेरा घोड़ा किधर गया, घोड़ा किधर गया मेरा। बगल वाला बोलता है भाई साहब काफी देर वेट करता रहा फिर सवारी मिली लेके निकल गया। कुछ लोग गेम्स इसीलिए खेलते ताकि स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल जाए। मेरा एक दोस्त था एथलीट, उसको पुलिस में नौकरी मिल गई। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब गलत खिलाड़ी की पोस्टिंग गलत डिपार्टमेंट में हो जाती है। उसके सामने एक आदमी ज्वेलर की दुकान लूट के भागा, वो उसके साथ साथ भाग रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा, उसके आगे पहुंच गया था मैं जीत गया। उसने जितना सोना लूटा था ना एक गोल्ड कॉइन उसको दे दिया, केले भाई तेरा गोल्ड मेडल मैं निकलता हूं। अच्छा हमारे यहाँ किसी भी चीज को कोई खेल बना लेता है। सपोज अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में दाखिल है वो बेचारा क्या करे, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है तो नहीं, वो फिर क्या करता है ग्लूकोज लगाओ उसकी बूंदे के अंदर है। 418 419 बीच में कोई पता लेने आया भाई साहब कैसे हो, 420 ठीक है चल रहा है। क्या करे बेचारे वेले बैठे बैठे। हमारे यहाँ छुपन छुपाई का खेल भी बड़ा खेलते हैं, बच्चे छुप जाते हैं ना काफी काफी देर निकलते नहीं। ये हमारा जो ड्रम वाला है ना ये एक बार 3 दिन तक छुपा रहा एक्चुअली। जिसकी वजह से छुपा हुआ था उसकी माँ तो पहले दिन थप्पड़ मार के ले गई उसको, इसको लग रहा मेरे को पकड़ नहीं पा रहा मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। तीसरे दिन पुलिस ने आगे पकड़ा उसको, पुलिस ने पकड़ा उसका बोल रहा ठप्पा, उसने थप्पड़ मारा चल बे ढूंढ रहा था पप्पा इधर क्या थप्पा थप्पा कर रहा है। अच्छा शहर में मैच लेट होते हैं बारिश की वजह से, गांव में मैच इसलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि माँ अभी थापी से कपड़े धो रही है तो बच्चे वेट करते हैं। मैं सोचता हूँ कि गांव की अगर किसी मैच की कमेंट्री करनी तो कैसी होगी, बच्चे खुद ही थापी लेके डंडे गाड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं और कमेंट्री भी उसकी लोकल ही होगी ना मुझे देसी तरह की। मान लीजिए इस तरफ पिच लगी हुई है और पीछे बेचारा बैठा है साथ में वड़ा पाव खा रहा है और कमेंट्री कर रहा है, गटर एंड से बाल करने आ रहे नंदू,
बैट लेके तैयार है चंदू। चंदू ने शॉट लगाया नंदू गेंद के पीछे और ये क्या, नंदू का पैर फिसला, नंदू कटर में नंदू हो गया गंदू। दूसरे साथी उसे निकाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने भाग भाग के 10 से 15 के बीच कुछ तो रन ले लिए, हमें पूरा पता नहीं चल रहा है। अगली बॉल के साथ नंदू फिर तैयार, चंदू भी खेलने के लिए तैयार। चंदू ने बल्ला उठाया लेकिन उसके पीछे धड़क, चंदू की मां ने कान के नीचे थप्पड़ जमा दिया। वो कान खींच के उसे पवेलियन वापस ले जा रही है, शायद वो बाथरूम में गीला कच्चा छोड़ा है। माँ कह रही है उसे सिखाएगा कौन तेरा बाप। इस बीच में माँ का और एक चमचमाता हुआ गहरा थप्पड़। हमने सुना था चंदू का बाप पियक्कड़, लेकिन लगता है आज माँ भी पी हुई है। जब तक माँ की उतरेगी, खिलाड़ी फिर से मैदान में उतरेंगे, तब तक के लिए रुकावट के लिए खेद है। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारी कुछ लोकल गेम्स होती हैं, ऐसे आप लोगों में से भी कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अजीब अजीब गेम्स खेलते होंगे। जी हेलो सर। हेलो एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाय, मेरा नाम दीपक पांडे है। जी पांडे, मैं एज ए भोजपुरी सिंगर हूँ। अच्छा जी, एक गेम मैं आपको बताता हूँ जो कि दिमाग फ्रेश करने वाला गेम है। जी जी। तो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए। बताइए आइए, कैसे हैं आप पांडे जी? बालों का वजन नहीं लगता आपको? जी, एक गेम था कौआ उड़ चिड़ै उड़। जी। हम जब भी कहेंगे चिड़िया उड़, तो आप भी ऐसे उड़ाओगे, मैं भी ऐसे उड़ाऊंगा। अच्छा। जो भी कहेंगे आप उड़ाओगे, मैं भी उड़ाऊंगा। जो भी कहेंगे क्यों उड़ाऊंगा, कुछ चीजें नहीं उड़ने वाली। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, बत्तख उड़, बत्तख उड़। मेरे साथ ही उड़ाओ, मेरे साथ ही उड़ाने चीटिंग हो जाएगा। ये क्यों, आपके साथ वो उसकी शादी हुई है आपकी बत्तख की? अलग अलग उड़ाया ना, इन गेम में चीटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, बकरी उड़। क्यों? हमारे घर में इतने सालों से बकरी, हमें नहीं पता क्या चीज उड़ती क्या चीज। बहुत इंटरेस्टेड गेम था सर। कितना बड़ा आदमी हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप, चिड़िया उड़, बकरी उड़, बत्तख उड़, बच्चे हंस रहे हैं हम पे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त आज के इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हाय सर। उनको देखे देखे मुझे भी बहुत सी गेम्स याद आती आ रही है। इनको देख के? हाँ, इनको देखे देखे। कौन सी गेम सर? दमथराज। आइए, बड़ी देर हो गई, खेला भी नहीं हमने। सर मैं ना कुछ फिल्म्स हैं, मैं उसका एक्ट करूंगी और आपको गेस करने की वो कौन सी फिल्म है। ओके okay. बाबा ये ठुल्लू। क्या था? हाथी मेरे साथी। यस सर। वाओ, मैं आपको फिल्म का नाम लेता हूँ, आप बताओगे? ठीक है सर। ये है मेरे हाथ में, कुछ है ये निकाला। समझ नहीं आया। ये मैंने पहले मटर निकाले, उसको गोल किया तो मटरू हो गया, फिर बिजली, बिजली कमन डोला एक्चुअली। एनीवेज थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। अच्छा, कोई बच्चा जिसको माँ बाप रोकते हैं गेम खेलने से, और जब वो उसी गेम में अपना नाम बना ले, तो फिर माँ बाप, माँ तो नहीं खैर बाप, मूछों को बड़ा ताव देते हैं। और बाजी आज आप भी अपनी मूछों को ताव दे सकते हो। जब से मैंने शादी की है मैं ताओ देने बिल्कुल भूल गया हूँ, मेरा चाओ ही खत्म हो गया है। पर तूने क्या कमाल किया बे, तू पापा बनने वाला है। अरे सबको पता है मैं कमाल नहीं करता, लेकिन जो लोग कमाल करते हैं मैं उनको यहाँ पे बुलाता जरूर हूँ। खड़का के बुलाओ। आज मैं जिनको यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, ये ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने खेल के दम पे इंडियन क्रिकेट में खास जगह बनाई बाजी। अच्छा? ये दो शख्स हैं, एक तो वो हैं जो बाल बढ़ाते नहीं, दूसरे वो हैं जो बाल कटाते नहीं।